सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद जनरल एनाटॉमी। तो टाइप्स ऑफ एपिफिजिस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा प्रेशर एपिफिजिस, देन वी हैव ट्रैक्शन एपिफिजिस, एटाविस्टिक एंड एबरेंट। प्रेशर का एग्जांपल होता हैड ऑफ फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस। ट्रैक्शन है ट्रोकेंटर्स, ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ट्यूबर्कल्स ऑफ ह्यूमरस। एटाविस्टिक क्या होता है? कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एंड एबरेंट क्या होता है? हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। उसके बाद टाइप्स ऑफ कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रस। हाइलिन कार्टिलेज किधर होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ मोस्ट ऑफ जॉइंट्स, इलास्टिक कार्टिलेज इन द पिन्ना एंड फाइब्रो कार्टिलेज इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देन वी हैव साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लेन जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, सुपीरियर रेडियल नर्व एंड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, कोंडाइलर जॉइंट, TMJ एंड नी जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट इज द रिस्ट जॉइंट, रिस्ट में भी स्पेसिफिकली रेडियो कार्पल जॉइंट एंड एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। सैडल जॉइंट वी हैव फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट एंड बिटवीन इनकस एंड मेलियस। सो बिटवीन इनकस एंड मेलियस वी हैव सैडल जॉइंट। बोल एंड सॉकेट जॉइंट इज बिटवीन इनकस एंड स्टेपीडियस। सो प्लेन जॉइंट इज बिटवीन कार्पल्स, हिंज वी नो, पाइवेट जॉइंट एटलेंटो एक्सियल, सुपीरियर रेडियो अल्नर, कोंडाइलर इज TMJ एंड नी जॉइंट, एलिप्सोइड इज रिस्ट जॉइंट एंड एटलांटो ऑसिपिटल, सैडल इज बिटवीन इनकस एंड मेलियस एंड बोल एंड सॉकेट इज बिटवीन इनकस एंड स्टेपिस। देन वी हैव कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आर ऑल्सो नोन एज सिंक्रोडोसिस एंड सेकेंडरी आर सिम्फिसिस। सो सिम्फिसिस वी नो देर इज प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। एंड देन द प्राइमरी इज बिटवीन एपिफिजिस एंड डाई एपिफिजिस एंड फर्स्ट कोस्टो स्टर्नल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स इज सूचर इज फाइब्रस जॉइंट। देन वी हैव सिंडेस्मोसिस विच इज इन द इंटरोशियस जॉइंट इज द सिंडेस्मोसिस जॉइंट। देन वी हैव गोम्फोसिस। गोम्फोसिस इज अ जॉइंट बिटवीन टीथ एंड द एल्वियोलर सॉकेट्स। देन टाइप्स ऑफ मसल बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फाइबो। स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं रेक्टस एबडोमिनस में, ट्रांसवर्स इन ट्रांसवर्सस एबडोमिनस, ओब्लीग इन एक्सटर्नल ओब्लीग। देन देर आर फोर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। सो वी कैन रिमेंबर इट बाय फैम। सो फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। उसके बाद वी कम टू एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पैरा एक्सियल मेसोडर्म। सो जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है ये तो हेड की फॉर्मेशन करती है एंड इट फॉर्म सोमाइट। सो वी कैन रिमेंबर इट बाय PHS। इट्स पहेली एंड पहेली इट्स सहेली। सो पी से पैरा एक्सियल, एच से हेड, एस से सोमाइट्स। नाउ दिस सोमाइट्स ऑल्सो इट फॉर्म्स टू टाइप ऑफ सोमाइट, स्क्लैरोटोम एंड डर्मोमायोटोम। स्क्लैरोटोम फॉर्म्स वर्टिब्रा, रिब, वर्टिब्रल जॉइंट्स एंड टेंडन्स एंड डर्मोमायोटोम फॉर्म डर्माटोम विच इज डर्मिस एंड मायोटोम विच फॉर्म्स स्केलेटल मसल्स। देन वी कम टू डेरिवेटिव्स ऑफ फोगट। सो वी नो ईसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक ड्यूडेनम प्रॉक्सिमल टू एम्पुला ऑफ वेटर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लीवर, पेनक्रियास, एक्सटर्नल हेपैटिक, बिलियरी अपैरेटस। उसके बाद वी कम टू डेरिवेटिव्स ऑफ डोर्सल मीजोगेस्ट्रियम। सो डोर्सल मीजोगेस्ट्रियम फॉर्म्स गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट एंड ग्रेटर ओमेंटम। ओके, सो गैस्ट्रोस्प्लीनिक, गैस्ट्रोकोलिक, स्प्लीनोरीनल एंड ग्रेटर ओमेंटम। सो नाउ व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल पाउचेस। सो देयर आर फोर फेरेंजियल पाउचेस। फर्स्ट फॉर्म्स यूस्टेशियन ट्यूब एंड मिडल ईयर कैविटी, सेकेंड फॉर्म पैलेटाइन टॉन्सिल, डोर्सल पार्ट ऑफ थर्ड फॉर्म्स इन्फीरियर पैराथायरॉयड
एंड सुपीरियर वेंट्रल पार्ट ऑफ थर्ड फॉर्म्स थाइमस एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ फोर्थ फॉर्म्स अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी विच आर द पैरा फोलिकुलर सेल्स. नाउ वी कम टू हेड एंड नेक. हेड एंड नेक में फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ फोरामेन मैग्नम. सो ये जो फोरामेन मैग्नम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर कंपार्टमेंट में इफ़ वी गो एंटीरियर टू पोस्टीरियर वी हैव एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, देन अपर लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ क्रूसीफॉर्म लिगामेंट एंड देन वी हैव द मेम्ब्रेना टेक्टोरिया. सो हाउ टू रिमेंबर दिस, इट इज ए एंटीरियर, सो ए फॉर एंटीरियर से ए, सो ए फॉर एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस एंड देन वी हैव ए एल एम आलम. We can remember it by alum. So A for apical ligament of tens, L for longitudinal band of cruciform ligament, and M for membrana tectoria. Posteriorly, we have medulla oblongata with the meninges. Baki anterior to it, we have anterior spinal artery. Posteriorly, we have two posterior spinal arteries, and on each side we have vertebral arteries and spinal root of accessory nerve. Okay, so what are the contents from anterior to posterior? Apical ligament of tens, longitudinal band of cruciform ligament, membrana tectoria. Then in the posterior compartment we have in between medulla oblongata. Anterior to posterior we have anterior spinal artery, vertebral artery, spinal root of accessory nerve and posterior spinal artery. Then we come to branches of facial artery. So the mnemonic is Amma please sit. So from A we have ascending palatine, P we have pre-mesenteric, then we have lateral nasal, submental, superior lingual, inferior lingual and the tonsillar artery. After that we have tributaries of external jugular vein. The mnemonic is PAST, posterior external jugular vein, anterior jugular vein, suprascapular vein and transverse cervical vein. Then the branches of ansa cervicalis, there are two roots, superior and inferior root. Superior root give branch to superior belly of omohyoid, inferior give branch to inferior belly of omohyoid along with sternohyoid and sternothyroid. Then we come to branches of external carotid artery and the mnemonic is some anatomist like freaking out poor medical students. So as superior thyroid, ascending pharyngeal, lingual, facial, occipital, posterior auricular, maxillary and superficial temporal. Then we have infrahyoid muscle and infrahyoid muscles are also known as the strap muscles. They are sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid and omohyoid. Then we come to the structures pierced by parotid duct. They are buccinator muscle, buccal pad of fat, buccopharyngeal fascia and the mucous membrane. Then what are the branches of mandibular nerve? From trunk we get nerve to medial pterygoid and nervous spinosus. From the anterior branch we get deep temporal, pterygoid, mesenteric and buccal. And from the posterior branch we get auricular temporal, lingual and inferior alveolar. So the anterior, for the anterior the mnemonic is DPMB and from the posterior we have mnemonic ALI, auricular temporal, lingual and inferior alveolar. So now what are the connections of otic ganglion? The parasympathetic comes from inferior salivary nucleus, sympathetic from superior cervical ganglion and sensory from auricular temporal nerve. Now we see muscles of mastication. So the mnemonic is more tea, less milk. So more tea, less milk. Masseter, temporalis, lateral pterygoid and medial pterygoid. So these all are supplied by mandibular branch of trigeminal nerve. Masseter is by masseteric nerve. Temporalis by anterior and posterior deep temporal nerve.
लेटरल टेरिगोइड बाय नर्व टू लेटरल टेरिगोइड एंड मीडियल टेरिगोइड बाय नर्व टू मीडियल टेरिगोइड. सो द फंक्शन ऑल ऑफ देम प्रोट्रूड मैंडिबल एक्सेप्ट टेम्पोरालिस विच रेट्रूड मैंडिबल एंड ऑल ऑफ देम एलिवेट मैंडिबल एक्सेप्ट लेटरल टेरिगोइड विच डिप्रेस द मैंडिबल. So now there are four muscles attached to the styloid process. They are styloglossus, stylohyoid, and stylopharyngeus. So we can remember it by PG है, ठीक है, मतलब कि style है stylish PG है. So stylish is styloid process. Stylopharyngeus, styloglossus and stylohyoid. So the nerve supplying them, stylopharyngeus is supplied by 9th cranial nerve, styloglossus by 12th cranial nerve and stylohyoid by 7th cranial nerve. Now the branches of subclavian artery, they are Witt branches, vertebral, internal thoracic and thyrocervical trunk. Tributaries of cavernous sinus, we have ophthalmic vein, central vein of retina, sphenoparietal sinus, superior middle cerebral vein, and we have pterygoid plexus. So we can remember it by mnemonic ORS, oral rehydration solution, in CP. So I drank ORS in CP. So ophthalmic, retina, central vein of retina, sphenoparietal sinus, C is a cerebral superior middle cerebral vein and pterygoid plexus. Then what are the structures passing from superior or vital fissure? First of all, let us list where T is silent. So lacrimal nerve and lacrimal artery, inferior ophthalmic vein, superior ophthalmic vein, and the cranial nerves are 3, 4, V1 and 6th. So it is 3, 4, 5, 6, but the first branch of 5th cranial nerve.